गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप कुमार राय. सो टूडे वी आर गोइंग डिस्कस ऑन डेसिमल नंबर्स. सो फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन. देन सेकेंड पॉइंट इज डेसिमल नंबर्स. Then third point is properties of rational numbers. Then standard form of रेशनल नंबर्स. देन कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स. कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स. Then representation of rational numbers. Addition of rational numbers. Then subtraction of rational numbers. Then multiplication of rational numbers. Then division of rational numbers. Then find the value of largest rational number. Largest rational number between two rational numbers.
ओके सो अभी तक हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़े हुए थे। अभी हम लोग वहां पे फ्रैक्शन का भी चर्चा किया गया था क्लास सेवेंथ में। अभी हम लोगों को रेशनल नंबर्स क्लास एट में पढ़ना है और रेशनल नंबर में इतना सारे जो टॉपिक है ये पूरे हम लोगों को क्लास एट के सिलेबस में पढ़ना है। सो हम लोग एक एक टॉपिक को पूरे डिटेल्स के साथ और एक एक एग्जाम्पल के साथ इसको थ्रू आउट सॉल्व करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करते हुए समझेंगे। सो देखिए हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन रेशनल नंबर्स का। तो रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन से पहले सबसे पहले हम लोग नंबर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सो हम लोग लेटेस्ट स्टार्ट ऑन इंट्रोडक्शन ऑन रेशनल नंबर्स। नंबर्स, नंबर इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर मैथमेटिक्स। विदाउट नंबर वी कैन नॉट बी कैलकुलेट एनीथिंग एनी एस। सो नंबर इज एन इंपॉर्टेंट important topic in our mathematics। without number we cannot be without number we cannot calculate anything any else। okay तो हम लोग एक ब्रीफ नॉलेज के तौर पर यहाँ पे जितने भी प्रीवियस क्लासेस में नंबर्स के बारे में पढ़े हैं लोग उसका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं लोग। सो इट्स अ रियल नंबर लाइन। दिस इज जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव अप टू इंफिनिटी, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। दिस नंबर नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सो काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। It is denoted by capital N. It is denoted by capital N. Counting numbers क्या है? जहां से हम लोग काउंट करना चालू करते हैं लोग, यहां से देखिए वन टू थ्री फोर फाइव अप टू इंफिनिटी, ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। और यहीं पे नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ले लें, यानी टुगेदर जीरो विथ नेचुरल नंबर्स। सो
individual members are whole number. अगर नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू. सो दिस नंबर एंड दिस आर ऑल नंबर टुगेदर इंटीजर नंबर्स. So, all six negative numbers and zero and positive numbers are collection is integer numbers. It is denoted by capital N. It is denoted by capital I and it is also denoted by capital Z. Okay, so ये जितने भी नंबर है, integers नंबर, whole नंबर और natural नंबर, ये सब क्या है, rational नंबर है और साथ साथ रियल नंबर भी है. सो तो ये रियल नंबर लाइन पर जितने भी नंबर हम लोग प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब नंबर क्या है, रियल नंबर है. तो हम लोग अब अपने सिलेबस के टॉपिक पर, रेशनल नंबर पर चलते हैं. सो इसे इरेज करके आगे बढ़ते हैं लोग. नेक्स्ट टॉपिक रेशनल नंबर्स. दोज नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए एंड बी इज वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. Those number which is the form of A by B where A and B are integers number and B is not equal to zero. B is not equal to zero का meaning ये हुआ कि B जो होगा non-zero integer होगा, जो कभी zero नहीं होगा.
ठीक है। सो रेशनल नंबर वही होगा जो ए बाई बी के फॉर्म में हो, और वहां पे ए और बी होना क्या चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए, और बी क्या होना चाहिए, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, या यानी नॉन जीरो इंटीजर नंबर होना चाहिए। सो रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर नंबर सेट टू बी ए नंबर सेट टू बी पॉजिटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर a by b numerator and denominator both are same sign as for example। इसके कहने का सेंस यही है, पॉजिटिव डेसिमल नंबर वही होगा जहां पे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन के हो। सो तो हम लोग देखेंगे यहां पे, एज फॉर एग्जाम्पल में कोई भी रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे 3/5 दोनों प्लस प्लस का साइन है, ठीक है ना, तो दोनों प्लस प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेसिमल नंबर होगा। यहीं पे हम लोग ले लेते हैं -7/-3, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेसिमल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं, नेगेटिव डेसिमल नंबर, नेगेटिव डेसिमल नंबर ए नंबर सेड टू बी नेगेटिव डेसिमल नंबर अपोजिट साइन, देखिए इसका एज फॉर एग्जाम्पल के तहत इसको समझते हैं। इसके कहने का सेंस है कि नेगेटिव रेशनल नंबर तब होगा जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, एक दूसरे के उल्टा साइन का यूज करते हो। तो सो एज फॉर एग्जाम्पल में हम कोई एक रेशनल नंबर के थ्रू इसको समझते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट यहां पे 7 हो जाए और यहां पे -5 हो जाए, या यहां पे हो जाए -3 और यहां पे हो जाए +2, ये सब क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है।
ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक सबको क्लियर होगा, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। लोग नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल नंबर्स, प्रॉपर्टी फर्स्ट, इफ ए बाय बी इज ए रेशनल नंबर एंड M is a non-zero integer number, M is a non-zero integer number, then A by B multiply M into b in multiply n. So as for example, इसको हम लोग समझते हैं, अगर a by b रेशनल नंबर दिया हो और m जो हो नॉन जीरो इंटीजर नंबर हो और उसको a और b दोनों यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग m से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है, सो देखते हैं। तो सपोज दैट एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहां पर ले लिए हम लोग 2 by 3 नंबर ले लिए और इसमें नॉन जीरो इंटीजर नंबर क्या हो सकता है, जो जीरो ना हो, तो जीरो ना हो तो सपोज दैट हम लोग यहाँ पे 8 ले सकते हैं, यहाँ पे भी 8 ले सकते हैं, अगला फिर जब हम लोग 2 by 3 ले रहे हैं तो एक और कोई नॉन जीरो इंटीजर नंबर ले लेते हैं, तो एक और नॉन जीरो इंटीजर नंबर ले लेते हैं, तो एक के पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2, फिर अगेन एक और यही सेम रेशनल नंबर रहेगा, सेम रेशनल नंबर पे फिर एक और नॉन जीरो इंटीजर नंबर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 3, 3 × 3 तो सो दिस रेशनल नंबर का रिजल्ट हम लोग देखते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा 2 से 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, 3 और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 6 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 2 × 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 हो गया, 3 × 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 हुआ। ये सब जो भी रेशनल नंबर आ रहे हैं ये होंगे क्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ये जितने भी हम लोग को रेशनल नंबर मिले हुए हैं ये सब हम लोग क्या है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इसे क्या बोलेंगे इस जो सीरीज को हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज 1A में प्रॉब्लम है वो सेम इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं लोग, प्रॉपर्टी 2, इफ
a by b is a rational number, if a by b is a rational number and m is a common divisor then a divided by m, b डिवाइड बाई एम, यानी ए और बी का कॉमन डिविजर क्या है, एम है। तो इसे हम लोग एज फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे रेशनल नंबर के थ्रू समझते हैं। तो देखते हैं, सपोज दैट यहां पे हम लोग ले लेते हैं 20/25, कॉमन डिविजर क्या ले लिए, दोनों का 5 ले लिए, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4/5, यही सो हो गया हम लोग का, ये कॉमन डिविजर हो गया इस रेशनल नंबर का, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 2 हम लोग को यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी चालू करते हैं, प्रॉपर्टी 3। देखिए प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है, यहां तक हम होप करेंगे कि सबको समझ में आया होगा। सो इससे रिलेटेड ही टोटल 1A का प्रॉब्लम है। हम लोग आसानी से इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इसको फॉलो करते हुए 1A को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। If a by b and c by d are rational numbers, are given rational number, then a by b is equal to c by d। यहां पे क्या आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू इसको ए डी इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं। इसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस प्रॉपर्टी को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सो देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट 1/2 इज इक्वल टू 3/5। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 5/1 इज इक्वल टू 2/3, रिजल्ट इज 5 इज इक्वल टू 6। तो यही पे हम लोग इसको इस डेसिमल नंबर के थ्रू इसको वेरीफाई कर रहे हैं। सो हम लोग को अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगला हम लोग को जो होगा वो होगा आपको कंपैरिजन रेशनल नंबर, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। तो अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर
अगर बहुत सारे हम लोग को रेशनल नंबर दिए होंगे तो वहां पे जितने भी रेशनल नंबर सपोज डेट ए बाई डी या सी बाई डी जितने भी फॉर्म में हो, सबसे पहले वहां पे देखेंगे हम लोग रेशनल नंबर में कोई डिनोमिनेटर निगेटिव में तो नहीं है। अगर निगेटिव में है तो उस डिनोमिनेटर को हम लोग पहले पॉजिटिव में करेंगे। तो पॉजिटिव में करने के लिए क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नीचे वाला है माइनस इंटू माइनस ये प्लस होके प्लस हो जाएगा और ऊपर जो है न्यूमरेटर के साथ माइनस ऐड हो जाएगा। तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, तो उसको तो हम लोग डिनोमिनेटर को पहले पॉजिटिव कर लिए। सेकेंड मेथड में क्या होगा, हम लोग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर लेंगे, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। उसके बाद से क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है दोनों एलसीएम का जो हम लोग का सेम डिनोमिनेटर अब आएगा तो उससे क्या करेंगे, कॉमन डिविजर लेके हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। यही है कंपैरिजन का, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर। सो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप देखिए इसका, एवरी डेसिमल नंबर एवरी डेसिमल नंबर हैव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, सॉरी एवरी डेसिमल नंबर है पॉजिटिव डिनोमिनेटर, पॉजिटिव डिनोमिनेटर का सेंस क्या है, अगर मान लीजिए हम लोग a बाई माइनस बी लिए हैं फिर c बाई माइनस बी लिए हैं तो इस दोनों डिनोमिनेटर हम लोग का क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड में माइनस और माइनस दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस से यहां पे भी यहां पे, तो हम लोग का रिजल्ट क्या आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस a और माइनस इंटू माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस c और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यानी प्लस डी हो जाएगा। तो पहला हम लोग का ये प्रोसेस होगा, एवरी रेशनल नंबर जितने भी रेशनल नंबर दिए होंगे उनका डिनोमिनेटर पहले पॉजिटिव करेंगे। सेकंड स्टेप क्या करता है, देखिए सेकंड स्टेप में हम लोग को क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर मिलेगा उसका एलसीएम लेंगे, टेक एलसीएम, टेक एलसीएम डिनोमिनेट, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर बी कॉमा डी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप यही होगा, अभी हम लोग का जो एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का, अब ये जो सेम डिनोमिनेटर हो गया इसका कॉमन डिविजर, कॉमन डिविजर ऑफ डिनोमिनेटर, कॉमन डिविजर ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई ऑन न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई ऑन मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, ओके। तो थर्ड स्टेप ये हम लोग का हो जाएगा। जब एवर रिजल्ट, जब तीनों का रिजल्ट हम लोग को मिल जाए तो चौथा रिजल्ट में हम लोग क्या देखते हैं, जो ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर होगा, जो मतलब सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वही हम लोग का सबसे बड़ा रेशनल नंबर होगा, यानी द ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर इज ए ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर, इज ए ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। इस स्टेप के बाद से हम लोग आर एस अग्रवाल का आप लोग के 1A के एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हुए समझ लेते हैं
क्योंकि ये थोड़ा आप लोग के लिए लेंदी हो गया है, तो उस एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये जो आप लोग का स्टेप है क्लियर हो जाएगा। तो सो हम लोग उस एक्सरसाइज को क्लियर करते हैं। वन ए का आप लोग ये एक्सरसाइज वन ए का एक नंबर प्रॉब्लम का हम लोग ये थ्री नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है एट का थ्री। सबसे पहले इसको इरेज कर दें क्योंकि बोर्ड जो है अभी मेरे पास छोटा है। सो इसे इरेज करने के बाद हम लोग एक प्रॉब्लम के थ्रू अगर कंपेरिजन कर लेते हैं तो सो हम लोग का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। इसलिए एक प्रॉब्लम हम लोग इस पर कर लेते हैं। लोग देखिए ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। सबके पास आरएस अग्रवाल की बुकें होंगी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग आते हैं एक्सरसाइज वन ए का एट का थ्री नंबर प्रॉब्लम। देखिए इसमें क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो आप लोग सब लोग समझते हैं क्योंकि हम लोग वन टू थ्री से लेकर सेवन तक सबको असेंडिंग ऑर्डर मिला होगा। सो क्लास एट में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर रेशनल नंबर के थ्रू पढ़ेंगे लोग। सो देखिए क्या बोल रहा है एट का थ्री नंबर क्वेश्चन। एक्सरसाइज वन ए क्वेश्चन एट का थर्ड नंबर प्रॉब्लम। देखिए लोग क्या बोला है, थ्री बाय माइनस फाइव, इसको पहले लिख दीजिएगा, अरेंज द फॉलोइंग ऑपरेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इसे लिखना किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या रेशनल नंबर हम लोग को दिया हुआ है, थ्री बाई माइनस फाइव, फिर अगला रेशनल नंबर हम लोग का है माइनस सेवन बाई टेन, उसके बाद से अगला रेशनल नंबर है माइनस इलेवन बाय फिफ्टीन, फिर उसके बाद से हम लोग का अगला रेशनल नंबर दिया हुआ है माइनस तेरह बाई ट्वेंटी। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ था, जितने भी डिनोमिनेटर नेगेटिव में है उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव में करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे हम लोग को पहले क्लियर करना होगा यहाँ पे क्या कहाँ कहाँ माइनस है, सिर्फ एक ही रेशनल नंबर को हम लोग को पॉजिटिव करना होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा है, थ्री माइनस फाइव, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस फाइव, ये सब एज इट इज रह जाएगा, माइनस सेवन बाई टेन, माइनस इलेवन बाई फिफ्टीन एंड माइनस तेरह बाई सॉरी थर्टीन बाई ट्वेंटी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस थ्री बाई फाइव, ये हो जाएगा माइनस सेवन बाई टेन, ये हो जाएगा माइनस इलेवन बाई फिफ्टीन, ये हो जाएगा माइनस थर्टीन बाई ट्वेंटी। अब देखिए फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी, अब सेकेंड स्टेप हम लोग क्या बोलता है, टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम लोग का डिनोमिनेटर हो गया तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका ले रहा है तो क्या आ जाएगा, फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो आप लोग जानते हैं हम लोग प्राइम नंबर से ही लेते हैं, और प्राइम नंबर तो आपको मालूम होगा, आप लोग प्रीवियस क्लास से पढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले वहां पे प्राइम नंबर कौन, छोटा वाला ही नंबर से लेके चलिए, तो टू, ये क्या हो जाएगा फाइव, ये फाइव टू जा टेन, और ये क्या हो जाएगा फिफ्टीन, फिर टेन टू जा ट्वेंटी। अब क्या ये टेन जो है ये सिर्फ टू से ही कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या फाइव से कैंसिल हो जाएगा सब। तो यहाँ फाइव प्राइम नंबर एक ले लेते हैं, तो फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव टू जा टेन। तो क्या आया हम लोग का रिजल्ट, फाइव टू जा टेन, टेन थ्री जा थर्टी, थर्टी टू जा सिक्सटी, हम लोग का टोटल रिजल्ट क्या आ गया सिक्सटी। देखिए सिक्सटी हम लोग दोनों का एलसीएम आ गया 60। तो हम लोग का सबका जब ये हम लोग का जब जो एलसीएम लेते हैं वो क्या हो जाता है, सबका सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो सबका सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 60। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो फाइव है इस 60 को कितने बार में डिवाइड कर रहा है, फाइव ट्वेल्व जा 60 होगा, तो ये 12 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 3 इंटू 12। अब ये जो 60 है 1060 को कितने बार में डिवाइड कर रहा है, 10 6 जा 60,
और माइनस सेवन के साथ क्या हो जाएगा, सिक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए पंद्रह इस जगह पे फिर 60 आ रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 60 आ गया, तो 15 फोर जा 60 और ये 4 जो है क्या 11 से माइनस 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 11 इंटू 4। और यहां पे क्या है, ये जो 20 है तो हम लोग का सेम डिनोमिनेटर है, सेम के थ्रू कर रहे हैं ना जी, तो फिर यहां पे क्या आएगा 60 आएगा। ठीक है, तो ये 23 जा 60 और माइनस 13 इंटू 3। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है देखिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 36 अपॉन 60, ये हो जाएगा माइनस 42 अपॉन 60, ये हो जाएगा माइनस 44 अपॉन 60 और ये आपका हो जाएगा माइनस 39 अपॉन 60। और यहां पे देखिए अब क्या कर रहे हैं, अब असेंडिंग ऑर्डर बोला है, तो असेंडिंग ऑर्डर तो आप लोग समझते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या लेना पड़ता है, जो छोटा नंबर होता है पहले छोटा वाला नंबर लेंगे, फिर उससे जस्ट बड़ा वाला नंबर लेंगे, फिर उससे जस्ट बड़ा वाला नंबर लेंगे, ऐसे ही हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर क्लियर होता है। तो इसमें देखिए तो सबसे छोटा नंबर आप लोग का कौन सा हो रहा है, या यहां पे क्या होगा माइनस 44 अपॉन 60, यानी सबसे छोटा नंबर आप लोग का क्या आया माइनस 44 अपॉन 60। ओके, सो इससे जस्ट बड़ा कौन सा है इस नंबर में, माइनस 42 अपॉन 60। ओके, अब जस्ट इससे बड़ा कौन है, माइनस 39 अपॉन 60। अब इससे जस्ट बड़ा कौन है, माइनस 36 अपॉन 60। अब इसमें देखिए माइनस 44 अपॉन 60 किसके जगह पे है, माइनस 11 अपॉन 50 की है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ना माइनस 11 अपॉन 15 इज लेस देन माइनस 42 अपॉन 60 किसके जगह पे है, माइनस 7 अपॉन 10 के, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 10। अब फिर अब माइनस 39 60 किसके जगह पे है, माइनस 13 अपॉन 20, बहुत बढ़िया माइनस 13 अपॉन 20। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग आ रहा है माइनस 36 अपॉन 60, ये किसके स्थान पे है 3 बाय माइनस 5, तो यहां पे हम लोग यहां पे ये लिख सकते हैं 3 बाय माइनस 5, दिस इज योर आंसर। ओके, अब हम यही ऐसा करेंगे कि आप लोग को ये कंपैरिजन ऑफ रेस्ट ऑफ नंबर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सो हम लोग अब अगले टॉपिक पे चलते हैं।